जमीन तू आसमां मैं दाग हूं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गाइस आपको किस तरीके का लव स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को बनाने से पहले करना क्या है, इस वीडियो कर देना एक लाइक, और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा डाला गया इसी तरीके के नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले गाइस आपको अपना कैन मास्टर ओपन कर लेना है। कैन मास्टर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 16x9 का साइज सिलेक्ट कर लेना है। 16x9 का साइज सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है और एडिटिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी फोटो का टाइमिंग सेट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस आपको अपनी फोटो का टाइमिंग 2 पॉइंट कर लेना है। तो 2 पॉइंट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी फ़ोटो आप यहाँ पे ऐड करना चाहें। तो यहाँ पे गाइस आपको अपनी फ़ोटो कुछ इस तरीके से सेट कर लेनी है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपनी फ़ोटो सेट कर ले रहा हूँ। तो आपको भी इस तरीके से अपनी सभी फ़ोटो को ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे गाइस इस तरीके से अपनी फ़ोटो ऐड कर लेना। तो फोटो ऐड करने वाले से आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आपको वीडियो की स्टार्टिंग पे आ जाना। वीडियो की स्टार्टिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो सही से सेट ना हो तो इस तरीके से अपनी फ़ोटो को इस तरीके से इक्वल करके इस तरीके से सही से सेट कर लेनी है। तो यहाँ पे गाइस इस तरीके से यहाँ पे आपको अपनी सभी फ़ोटो को इस तरीके से सेट कर लेनी है। तो यहाँ पे गाइस जो भी भाग आपका रह जाता है तो इस तरीके से अपने हिसाब से इसको अपना सेट कर लेना। तो यहाँ पे गाइस इस तरीके से अपना अच्छे से सेट कर लेना। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपनी सभी फ़ोटो को इस तरीके से सेट कर लिया। तो सेट करने वाले से आपको करना क्या, सिंपली यहाँ पे आपको इस तरीके से टिक कर लेना। टिक करने वाले से आपको करने के यहाँ पे इन सभी पे इस तरीके से इक्वल रखना, तभी आपको फ़ोटो का साइज सही से रहेगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे आ जाना है। वीडियो के स्टार्टिंग पे आने वाले से आपको करने क्या है, सबसे पहले आपको इस पे ट्रांजैक्शन ऐड कर लेना। ट्रांजैक्शन ऐड करने के लिए इसे आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको गाइस 3 ट्रांजैक्शन डाउनलोड कर लेने। तो गाइस आपको सिंपली नीचे गेट मोड पे जाके एक फोल्ड आउट वाला, पोस्ट इट वाला और गैलेक्सी फॉरेस्ट वाला, ये तीनों ट्रांजैक्शन डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने वाले सबको करने के सिंपली पहले वाले पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे ये वाला कर देना है। तो यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करने वाले सबको अगले वाले पे सिलेक्ट करना है। फिर से आपको यहाँ पे फोल्ड आउट वाले पे जाना है, यहाँ पे आपको ये वाला सिलेक्ट कर देना है। ये वाला सिलेक्ट करने वाले सबको अगले प्लस के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे क्लासिक पोस्ट पे जाना है, लेफ्ट वाले पे क्लिक कर देना है और इसी तरीके से अगले वाले पे क्लिक करना है। और फिर से कैसे आपको फोल्ड आउट पे जाना है, इसको ये वाला सिलेक्ट कर देना है और फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। और पोस्ट इट पे जाना है, आपको यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर देना और फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और ग्लासिक फ्रॉस्ट पे जाना और कम वाले पे कर देना। तो इस तरीके से गाइस आपको अपनी सभी फ़ोटो पे इस तरीके से ट्रांजैक्शन ऐड कर देने हैं। तो ट्रांजैक्शन ऐड करने वाले से आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे अपनी फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है और क्लिप ग्रिप्स पे जाना और यहाँ पे आपको 3 क्लिप ग्रिप्स डाउनलोड कर लेना। तो गेट मोड पे क्लिक करना है, आपको स्प्लिट एड आउट स्प्लिट आउटपुट वाला डाउनलोड कर लेना, फोन प्रिंट वाला डाउनलोड कर लेना, न्यूचर वाला और लाइट सिलेंडर वाला, ये 4 डाउनलोड कर लेने। तो गाइस यहाँ पे पहले वाले पे ये पहले वाला सिलेक्ट कर देना और दूसरी वाली फ़ोटो के ऊपर आपको क्लिक करना है। दूसरी वाली फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके ग्लिप्स वाले पे जाना है और फोटो प्रिंट पे जाके आपको पहले वाले इसमें भी सिलेक्ट कर देना और अगली फ़ोटो पे सिलेक्ट करना है, क्लिप ग्रिप्स पे जाना और नेचर वाले पे जाना है। आपको यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर देना है। ये वाला सिलेक्ट करने वाले से आपको करने का टाइटल पे जाना है, आपको टाइटल पे स्पेस दे देना है। तो इस तरीके से गाइस आपको यहाँ पे दोनों जगह स्पेस दे देना। स्पेस देने के बाद आपको अगली फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है, फिर से क्लिप ग्रिप्स पे जाना और यहाँ पे लाइट स्लाइडर वाले पे जाना और आपको यहाँ पे ये वाली लाइट सिलेक्ट कर देनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर देना और सिलेक्ट करने वाले से आपको अगली फ़ोटो पे क्लिक करना है, फिर से क्लिप ग्रिप्स पे जाना और यहाँ पे आपको दूसरे नंबर का ऐड कर देना है। दूसरे नंबर का ऐड करने वाले से आपको फिर से अपनी अगली फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है और ग्रिप्स क्रिप्स पे जाना, फोटो प्रिंट पे जाना है। यहाँ पे आपको चौथे नंबर का सिलेक्ट कर देना है। चौथे नंबर का सिलेक्ट करने वाले से आपको अगले वाले फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है, फिर से क्लिप ग्रिप्स पे जाना और यहाँ पे आपको यहाँ पे लाइट स्लाइडर पे जाना और यहाँ पे ये 7वें नंबर का इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने से आपको करने के सिंपली आपको इस वीडियो को सेव कर लेना। सेव करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे 1080 रेशियो सिलेक्ट कर लेना, ब्राइटनेस हाई कर लेना और इसको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे ये लाइनिंग पूरा हो जाएगा तो आपको वीडियो बनाकर गैलरी पे सेव हो जाएगा। तो गाइस आपको सबसे पहले इस वीडियो को सेव कर लेना है।
तो जैसे गाइस देख सकते हो ये वीडियो बन के सेव हो गया है। सेव होने के बाद इसे आपको यहाँ पे बैक हो जाना है। बैक होने के बाद इसे आपको करना है प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मीडिया पे जाना और मीडिया पे जाने के बाद इसे आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाना है। बैकग्राउंड पे जाने के बाद इसे आपको यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेना और उसका साइज कुछ इस तरीके से कर लेना है। और अल्फा ओपेसिटी पे आना है, इसकी अल्फा ओपेसिटी इस तरीके से कम कर देनी है। कम करने में इसे आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना और मीडिया पर जाने वाले सबको करना क्या है, यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे गाइस इस टेम्पलेट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आकर इसको डाउनलोड कर लेना। थ्री डॉट पे क्लिक करना, इस तरीके से फुल स्क्रीन कर लेना। इसके ऑडियो ऑप्शन पे जाना, इसके ऑडियो आपको म्यूट कर देना। ऑडियो म्यूट करने वाले सबको सिंपली नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे जाना और इसको आपको स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने वाले सबको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आपको कैंची का ऑप्शन में क्लिक करके ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट करके इसका बेकार का भाग कट कर देना। बेकार का भाग कट करने में जैसे आपको लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना और यहाँ पे बेसिक इफेक्ट पे जाना है। यहाँ पे इस तरीके से ये वाला इफेक्ट ब्लर इफेक्ट ले लेना और इसका साइज कुछ इस तरीके से कर देना और इसको इस तरीके से फुल स्क्रीन कर देना। और इसके सेटिंग पे जाना, इसकी सेटिंग कुछ इस तरीके से आपको कर लेनी है। तो सेटिंग इस तरीके से करने वाले से आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना और जो वीडियो आपने अभी एक्सपोर्ट किया था उसको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने वाले से आपको करना है सिंपली इस तरीके से टिक कर लेना और टिक करने वाले से आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना और यहाँ पे एक बॉर्डर PNG ऐड कर लेनी है। तो गाइस इस बॉर्डर PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना और इस तरीके से इसके ऊपर आपको ऐड कर देना। ऐड करने वाले से आपको इसको लास्ट तक ले जाना है। लास्ट तक ले जाने वाले से आपको करना क्या है, इस बॉर्डर PNG को एक बार और डुप्लीकेट कर लेना। थ्री डॉट पे क्लिक करना, डुप्लीकेट कर लेना और इसको इस तरीके से फुल स्क्रीन पे इस थ्री डॉट पे क्लिक करना, फुल स्क्रीन करके ऐड कर देना। तो यहाँ पे गाइस इस तरीके से आपका वीडियो बन जाएगा। तो इस तरीके से बनने वाले से आपको करना क्या है, सिंपली फिर से लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना और यहाँ पे एक और टेम्पलेट वीडियो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट कर लेना, इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और इसके ऑडियो ऑप्शन में जाना, इसका ऑडियो आपको म्यूट कर देना है और सिंपली इसके थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इसको फुल स्क्रीन कर लेना और नीचे की ओर जाना है, ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे जाना और इसको आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने वाले से आपको इसके लास्ट पे जाना और कैंची का ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट करके इसका बेकार का भाग कट कर देना। तो जैसे गाइस देख सकते हो ये वीडियो बनकर कम्प्लीटली तैयार हो गया। तो गाइस आपको इस पर एक ऑडियो ऐड कर लेना है। ऑडियो ऐड करने के लिए गाइस आपको ऑडियो ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से अपने फोल्डर पे जाके गाइस आपको यहाँ पे कोई भी ऑडियो इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना। तो ऑडियो सिलेक्ट करने वाले से आपको लास्ट पे जाना है। लास्ट पे जाने वाले से आपको अपने ऑडियो के ऊपर क्लिक करना, सिंपली यहाँ पे कैंची का ऑप्शन पे क्लिक करना और ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट करके इसका बेकार का भाग कट कर देना है। तो बेकार का भाग कट करने वाले से आप देख सकते हो ये वीडियो बन के कम्प्लीटली तैयार हो गया। तो इसको सेव करने के लिए जैसे आपको करने का है, सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पे 1080 रेशियो सिलेक्ट कर लेना, ब्राइटनेस हाई कर लेना और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना।